हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 सिप्रस में होने वाले आज के तीसरे और आखिरी मुकाबले की। अब T10 भैया बस यही है, तीन तीन मैचेस ही दे रही है ECS, और ड्रीम इलेवन तीन तीन ही मैचेस करवा रही है दिन के, वो जो बहुत बढ़िया चीज़ है। दो करवाओ, तीन करवाओ, बहुत ठीक है। पाँच पाँच करवाते थे स्टार्टिंग में, छः छः तक हुए हैं, वो सीन थोड़ा सा ख़राब होता था, पर यहाँ पर अब जो मैचेस चल रहे हैं बहुत बढ़िया हैं, बहुत ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस एक है कि इन्हें इंटरवल थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, बस आधा आधा घंटा और दे दो कि बैक टू बैक ना हो मैचेस, एटलीस्ट मतलब आपको आधे घंटे का और थोड़ा सा रेस्ट मिले, तो उस हिसाब से शायद ये भी आ जाएगा। मुझे लगता है अगर ड्रीम इलेवन इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोच रही है, अगर ECS T10 के ऊपर, तो ये मान के चलो कि आपको अगली या उससे अगली लीग में ये भी देखने को मिलेगा, तीन या चार मैचेस और उसके बाद जो है इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा, बीच में जो हमारे पास टाइम इंटरवल होगा वो थोड़ा सा ढाई घंटे के करीब मुझे लगता है मिल जाएगा प्लेयर्स को। अब यहाँ पर अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ यार, आयरलैंड इंटर प्रोविजनल T20 का कोई एक मैच यहाँ पर कवर करूँ या तो इंग्लिश ब्लास्ट का एक आधा तो शायद मैं कवर कर ही लूँगा इनमें से। चारों के चारों तो यार देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद अभी CPL भी है, CPL की वीडियो नहीं आई है, सबसे पहले CPL की वीडियो बनानी है। ग्रैंड लीग इसमें देख सकते हो आप कितनी तगड़ी लगी पड़ी है, तो अभी के लिए इस वीडियो के बाद जो आएगी आपके पास वो सबसे पहले CPL की वीडियो आएगी, उसके बाद जो आपके पास वीडियोस आएंगी उसके बाद की बात बाद में करेंगे। ये देखो भैया जो ECS बहुत मतलब ये जो इंग्लिश T20 ब्लास्ट है बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो यहाँ पर प्लेयर्स भी बहुत बड़े बड़े खेल रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वही वाली बात है एक एक दिन में लगातार आप देखो एक साथ ही तीन मैचेस शुरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद एक मैच शुरू हो रहा है, फिर उसके आधे घंटे के बाद हमारे पास जो है हीरो CPL आएगी, फिर उसके यहाँ पर मतलब रात को जो है 8:30, वही वाली बात है, उतने ही टाइम में जितने टाइम में हमें CPL देखने को मिलेगी उतने ही टाइम से थोड़ी सी पहले आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये देखो भैया बैक टू बैक मैचेस हैं, तो देखते हैं कितने मैं कवर कर पाता हूँ, कितने हो पाते हैं, कितने की वीडियो आपके पास आ पाती है। जितने की वीडियो आएगी उतने मैं कवर करने वाला हूँ, उससे एक्स्ट्रा मैं कवर नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो है अभी हम पूरी की पूरी सबसे पहले ECS T10 की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है उसके बाद जो वीडियो आएगी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, CPL की आएगी। टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट इस टीम का आपको वहीं पर मिलेगा। स्टार्टिंग के दो मैचेस जो ECS T10 के हुए वो तो जब प्लेइंग 11 आई तभी मैंने वो बनाई थी वीडियो, पर यहाँ पर अभी जो है वीडियो पहले बना रहा हूँ क्योंकि भैया नीचे भी हमें मैचेस कवर करने हैं। तो अभी जो है हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास निकोशाई 11 फाइटर्स और निकोशाई टाइगर्स की टीम है। अब निकोशाई की अगर आप बात करो दोनों मतलब ये मान के चलो एक प्लेइंग 11-1 एक प्लेइंग 11-2, निकोशाई टाइगर इनकी मेन प्लेइंग 11 है, निकोशाई 11 फाइटर्स इनके लिए इतनी बढ़िया टीम नहीं है। यहाँ पर प्लेयर्स हैं जो कुछ अलग क्लब से आ रखे हैं, पर वो भी आके यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक मुकाबला इन्हें जीता श्रीलंका लायंस के खिलाफ, और किसी के खिलाफ इन्हें मुकाबला जीता ही नहीं। निकोशाई के खिलाफ इनका ये वाला मुकाबला था, तो ये जो 100-7 जो हैं ये हार कर आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है इनकी। तो अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे कौन सा प्लेयर हमारे लिए बढ़िया रहेगा कौन सा नहीं, हमें 7-4 की टीम बनानी है 6-5 की टीम बनानी है, वो सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नूरी चौधरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखो भैया 16-4-6, फिर उसके बाद बी अहमद 25 रन के साथ एक विकेट, 48 रन के साथ तीन विकेट, उसके बाद हमारे पास 18 रन और 24 रन के साथ एक विकेट। अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी देखो मैच चल ही रहा है इनका, फाइटर्स का मैच अभी चल ही रहा है कुछ के साथ, उरा रियान सीसी जैसी टीम जिसने भैया बहुत बड़े बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस खेले हैं। यहाँ पर अगर आप देखो रियान सीसी की अभी सिर्फ और सिर्फ एक विकेट गिरी है, और जो विकेट गिरी है वो गिरी भी अताउल्ला की है, उससे पहले एस हसन और एस अहमद मेरे कप्तान वाइस कप्तान है, मैं तो चाहूँगा ना गिरे भैया इनकी विकेट, और दोनों में से कोई भी रन मारे यार बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाली है मेरी टीम, इस चीज़ की मुझे गारंटी है। ड्रीम इलेवन की टीम भी आपको प्रोवाइड करवाई थी, मैच ऑन की टीम भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एम हसन की 24 रन 1 रन 7 रन और 22 रन, फिर उसके बाद जे मोरल 12 रन 4 रन और 11 रन, फिर उसके बाद अब्दुल्ला अल तसीम 15 रन के साथ एक विकेट, 27 रन के साथ एक विकेट और 9 रन, फिर उसके बाद मुन्ना रहमान 21 रन 2 रन, फिर उसके बाद 25 रन और यहाँ पर 1 रन के साथ 3 विकेट, और आपको बोला भी था मुन्ना रहमान हमने रखना है, मुन्ना रहमान ने ही एक विकेट चटकाई है, तो हमारे पास वो भी प्लेयर है मेरे पास अपनी टीम में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक विकेट अभी इसने चटकाई है, उसके बाद अलवी चौधरी 4 रन और 1 रन, फिर उसके बाद ए शकूर 1 रन, फिर उसके बाद पी मियाँ 1 रन और 5 रन, उसके बाद एफ अहमद आपके पास है 2 विकेट और यहाँ पर भी 2 विकेट, और यहाँ पर एम सजीब आपके पास है। एम सजीब की मतलब वो ये बॉलिंग अगर करवाएगा बॉलिंग ही करवाएगा, और इतनी बढ़िया अभी तक इसकी रही नहीं है, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो
अब यहाँ पर अगर आप देखो पिछले 3 मुकाबले की बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एस अहमद आपके लिए एक प्लेयर है जो भैया जिसने 2 विकेट, मतलब 4 विकेट इसने चटकाई है। एक पहले मुकाबले में 2 विकेट का हॉल चटकाया और एक चौथे मुकाबले में 2 विकेट का हॉल चटकाया। ये जो तीसरा मैच था ना, ये था इनका निको शेह के खिलाफ। तो इसके इस मुकाबले के हिसाब से अगर आप जाते हो तो मैं लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि निको शेह फाइटर्स की टीम इतनी बढ़िया नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, और इतना बढ़िया परफॉर्म भी नहीं कर रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है मुन्ना रहमान, एक ऐसा प्लेयर जो आपको 2 ओवर कंप्लीट करवा के देगा, बिजनौर अहमद आपको 2 ओवर कंप्लीट करवा के देगा, अल तसीम आपको 2 ओवर कंप्लीट करवा के देगा। क्रेडिट इशू आपके पास आने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे आने वाले हैं क्रेडिट इशू। उसके बाद अलवी चौधरी एक ऐसा प्लेयर भैया जो बॉलिंग करवा रहा है, स्टार्टिंग में इससे ओपन करवाया गया पर उसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं, फिर उससे करवाइए मतलब नीचे भेज दिया गया इस प्लेयर को। उसके बाद अगर मैं निको शेह टाइगर्स की बात करूँ तो आर मजूमदार हमारे पास है, बहुत बढ़िया प्लेयर, 6/80, 21/52, 17। फिर उसके बाद एम गुनासेकर 14 के साथ 1 विकेट, 24, फिर उसके बाद 46 रन के साथ 2 विकेट, 0 रन के साथ 1 विकेट और 0 रन पीछे 2 मुकाबले, ज़्यादा बढ़िया नहीं रहे, विकेट भी नहीं चटका इसने पिछले मुकाबले में, पिछले मुकाबले हार कर ही आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो भैया, ये हो गया इनका इक्वलाइज। सही बताऊँ तो रियान सीसी के खिलाफ इनका मैच था, स्टार्टिंग में ये मैच हुआ था तो ये जीते थे और उसके बाद ये वाला मैच ये हारे हैं, तो वही वाली बात है, रियान सीसी ने तो कर लिया हुई है इक्वलाइज। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यसीर खान आपके पास एक बढ़िया प्लेयर है, आई रियाज ने एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी और इसीलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद रसीदुल्ला हसन हमारे पास है, यहाँ पर 0 विकेट इसने, 0 रन इसने करे हैं। अब देखो एक और विकेट यहाँ पर चटका दी गई है और वो करी है बॉलिंग तसीम ने, तो अल तसीम आपको पता लग गया है कैसा प्लेयर है। अल तसीम रखना तो मैं देखो बहुत ज़्यादा चाह रहा हूँ कि यार अल तसीम मेरी टीम में आए, पर वो आएगा कैसे वही एक चीज़ है, तो वो अभी आप ही के सामने जो है क्रेडिट इशू मैं सॉल्व करूँगा अगर होता है तो, अगर कोई बढ़िया टीम बनती है तो। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, रवि कुमार आपके पास है, 2 विकेट इसने चटकाई है। हुसैन यहाँ पर आप देखो 5 विकेट ही अभी तक चटका चुका है। एसुल हसन आपके लिए एक बढ़िया प्लेयर है जो बॉलिंग कंप्लीट करवा के देगा। एच रहमान एक बढ़िया प्लेयर है जो आपको बॉलिंग कंप्लीट करवा के देगा। अब नीचे आ जाओ भैया, जो पिछले मैच में बॉलिंग रही है इनकी, यहाँ पर अगर आप देखो इरफान रियाज ने 1 विकेट चटकाई और यहाँ पर जो हमारे पास 1 विकेट एच रहमान ने चटकाई, दोनों ही प्लेयर्स ने विकेट चटकाई और किसी प्लेयर ने विकेट चटकाई नहीं। यहाँ पर आप सारी के सारे प्लेयर्स देख सकते हो, यहाँ पर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देख सकते हो हर एक प्लेयर का, सिंगल सिंगल बॉलिंग डिपार्टमेंट देखना किस मैच में क्या हुआ है वो भी आप देख सकते हो। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं, टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अभी दली एक ऑप्शन आपके पास है, ठीक ठाक ऑप्शन आपको बढ़िया करके भी दे सकता है। एम हसन आपके पास एक ऑप्शन है, आप देखो क्रेडिट इशू बचाना तो यहाँ पर भैया वाई खान लेकर जाना पड़ेगा, दोनों प्लेयर आपको बढ़िया प्लेयर छोड़ने पड़ेंगे किस इसी वजह से, क्योंकि यार क्रेडिट इशू सॉल्व नहीं होगा इसकी वजह। यहाँ पर चलो अभी के लिए एम हसन जो मेरा मन है लेकर जाने का, उसके बाद आर मजूमदार तो कोई छोड़ने नहीं वाला है, फिर उसके बाद जे मोरेल ले चलते हैं और उसके बाद मैं कम क्रेडिट के प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ क्योंकि बैटिंग में आपको इतना बढ़िया कुछ करते हुए कोई दिखेंगे नहीं। पी सुरंगा खेल नहीं रहा है इसलिए मैं इसे अभी ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है मैं ले भी लूँ और फिर बाद में टीम चेंज करनी पड़े, तो अभी के लिए जो है एसुल हसन मैं एसुल हसन लेकर जा रहा हूँ। अब देखो भैया, अगर मैं चारों के चारों प्लेयर लेकर जाता हूँ जो मुझे लग रहे हैं बढ़िया हैं और चारों के चारों परफॉर्म करके दे सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो आई रियाज भी एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, आई रियाज आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक है और आराम से बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकती है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आर हसन इतना बढ़िया प्लेयर नहीं है, आई जमान आपके पास अगर खेल जाता है तो ठीक ठाक आपको परफॉर्म करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, एम रहमान आपके पास है, अब देखो क्रेडिट इशू कहाँ आ रहे हैं, अब आ गए 8 और 8:30 का। अब एम रहमान ओ एच रहमान और आर कुमार मैं लेकर नहीं जाना चाहता क्योंकि शायद इतना बढ़िया परफॉर्म ना करे, मुझे एस अहमद चाहिए था, एस अहमद आएगा नहीं तो अब वही वाली बात है, बचता ही है तो ये ही लेकर जाना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंशियल पिक जो आप ट्राई कर सकते हो, ये एक टीम जो आप ट्राई कर सकते हो, ये एक टीम जो मैं बनाना चाहता हूँ अपने लिए जिसमें मुझे अल तसीम चाहिए ही चाहिए, तो वो वाली टीम है ये। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो और तो कोई चेंज नहीं है, एस अहमद अगर आप अपनी टीम में इंक्लूड कर सको और करना चाहो तो कर सकते हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कप्तान वाइस कप्तान की, तो कप्तान वाइस कप्तान यहाँ पर हमारे पास जो है बी अहमद, एम गुनासेकरा, अल तसीम और ए हसन। ए हसन तो इतना नहीं, पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो
आर मजूमदार को एज अ कैप्टन लेकर जाऊंगा मैं, और बी अहमद को एज अ वाइस कप्तान। अगर आप चाहो तो एल तसीम को भी वाइस कप्तान लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही प्लेयर आपको बॉलिंग भी करवा के देंगे और बैटिंग भी करवा के देंगे। अब आपके ऊपर है, आपको कौन सा प्लेयर लगता है कि बढ़िया परफॉर्म करेगा और कौन सा लगता है कि बेकार परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं ये टीम लेकर जा रहा हूँ, पहली टीम आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, आर मजूमदार एज अ कैप्टन और वाइस कप्तान जो है यहाँ पर मैंने देखो भैया बी अहमद रखा हुआ है, फिर यहाँ पर जे मोरेल रखे हुए हैं, फिर उसके बाद एस उल हसन रखा हुआ है, उसके बाद एम हसन एम आई रियाज है, एम गुनासेकर है, हसन एम रहमान है, एस अहमद और एच रहमान है। अब मेन दिक्कत यही है देखो, अब जैसे मैंने एस अहमद यहाँ पर पिक करा, जे मोरेल पिक करा, तो दोनों ही पिक्स में मुझे क्या छोड़ना पड़ा, ए एल तसीम छोड़ना पड़ा, और लेना कौन पड़ा, आई रियाज लेना पड़ा। तो यही वाली बात मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डिफेंशियल पिक्स पक्का ही ट्राई करनी पड़ेंगी। स्मॉल गेम लीग के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया टीम रहने वाली है, स्मॉल लीग में भी आपको बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिख जाएगी। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो टीम है ये हमारे लिए एम हसन, फिर उसके बाद यहाँ पर एस उल हसन, आर मजूमदार, जे मोरेल, फिर उसके बाद आई रियाज, वाइस कप्तान जो है एम गुनाशेखर है, फिर उसके बाद ए हुसैन है, बी अहमद एज अ कैप्टन रखे हुए हैं, फिर उसके आधार कुमार, एम रहमान और एस अहमद। पूरी की पूरी टीम हमें ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी, ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, आपको ग्रैंड लीग में बहुत तगड़ी परफॉर्म करती हुई दिख सकती है ये टीम। कप्तान वाइस कप्तान थोड़ा सा रिस्की रखा हुआ है, और को तो कोई दिक्कत नहीं है, और टीम सारी की सारी सेफ है, उतना मैंने इतना रिस्क लिया नहीं है इस टीम के साथ, बस कप्तान वाइस कप्तान के साथ ही रिस्क लिया, तो आप ले सकते हो। तीनों टीम्स आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, एक स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग की डिफरेंशियल पिक्स आपको बता चुका हूँ। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।